नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन में, जिसे आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट। आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। और अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि इस सत्र में हम बात करेंगे संस्कृत के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, और आज का हमारा शीर्षक है भूकंप विभीषिका। और जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि आपको प्राकृतिक आपदा भूकंप के बारे में बताया जाएगा, क्या होती है ये, क्यों आती है, इसके लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर संगीता शर्मा, आप संस्कृत विभाग से हैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और बच्चों, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा हो इस शीर्षक से जुड़ा हुआ, आप अपने सभी प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। और हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्रश्नों का, आपके सभी सवालों का, कि क्या आप जानना चाहते हैं या कहीं पर आप अटक गए हैं, तो आप हमारे विशेषज्ञ से ज़रूर जुड़े। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, एक बहुत ज़रूरी सूचना आप सभी के साथ हम साझा करना चाहेंगे रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। वी आर इंडीड वेरी प्राउड दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन 2023। अ नेशन दैट डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलैटरलिज्म, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all. And in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or we can say the whole world is one family. इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज का सत्र। और मैम, हम आपके पास आना चाहेंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि शीर्षक से ही जाहिर हो रहा है कि भूकंप विभीषिका, भूकंप के बारे में हम जानना चाहेंगे, तो ये पाठ में और क्या कुछ विशेष है हमारे सभी छात्रों के लिए? ये जो पाठ है वो जो है वो बेसिकली तो जो है सीधे सीधे संबंधित है भूकंप से, लेकिन भूकंप के साथ साथ हमारे बच्चों को प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं वो भी जानना चाहिए। ऐसी चीजें, ऐसी परेशानी, ऐसी घटनाएं जो कि प्रकृति के द्वारा होती है, जिसपे मनुष्य का वश कम होता है, जैसे कि भूस्खलन हुआ, जैसे कि बाढ़ हुई, जैसे कि सूखा हुआ, इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनमें से ही एक प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो भूकंप है। और ये जो पाठ 9 है ये संबंधित है जो गुजरात में कच्छ में 2001 में भूकंप जो हुआ था, और कश्मीर में 2005 में जो भूकंप हुआ था उसके बारे में संकलन किया गया और बताया गया है कि किस प्रकार से भूकंप हुआ या किस प्रकार की दशा या दुर्दशा थी उस समय। चाहेंगे कि क्यों आती है, आपने ये भी कहा कि इसमें मानव का हाथ थोड़ा कम होता है, मतलब हम इस पे कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे मैम। जी जी, उसके लिए मैं चाहती हूँ बच्चे सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, उनको स्क्रीन पर एक बिफोर और आफ्टर दिख रहा होगा 1 जून 2013 का, और बहुत सारे बच्चे क्योंकि 10th क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो इस फोटो को देख के समझ जाएंगे कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध जो मंदिर है केदारनाथ, वहां पर हुई घटना के बारे में है। तो पहले कैसी स्थिति थी और बाद में जब बहुत सारा पानी आया, बाढ़ की स्थिति बनी, तो किस प्रकार की स्थिति बन गई, किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं पूरा तरीके से चीजों को बदल देती हैं, या फिर किस प्रकार से हम उनको रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, उस बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, क्या स्थिति होती है। अगर हम ये दूसरा फोटो देखें तो बच्चे देख के समझ रहे होंगे रोड जो है वो कहीं पर टूटी है, इसको बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन मतलब जहां पर धरती जो है वो खसक जाती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जबरदस्ती जब हम बहुत रोड्स बनाते हैं, पहाड़ों को काटते हैं, पेड़ काटते हैं, तो पकड़ ढीली हो जाती है मिट्टी की, बहुत ज्यादा बारिश होने पर मिट्टी, क्योंकि पकड़ नहीं है तो जो मिट्टी है वो खसक जाती है। कभी कभी पहाड़ तो गिरते ही है पहाड़ों में। तो और जो तीसरी पिक्चर आप देख रहे होंगे, आपको लावा दिख रहा है, पानी ऊपर उठते हुए दिख रहा है, बिल्डिंग गिरी हुई दिख रही है, और बहुत सारे पानी में लोग जो है वो दिख रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भूकंप से संबंधित हैं। देखिए, अभी जैसे आपने एक प्रश्न किया कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जब प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनसे बचने के चांसेस थोड़े से कम इसलिए हो जाते हैं कि अगर बड़ा, मान लीजिए भूकंप से ही शुरू करते हैं क्योंकि हमारा पाठ जो है वो भूकंप से संबंधित है, तो मान लीजिए अगर भूकंप वाली स्थिति है, तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां भूकंप आते रहते हैं, तो भूकंप आते समय सीढ़ियों का प्रयोग करें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। अगर भूकंप आ ही रहा है और आप लगता है आपको क्या बाहर नहीं जा सकते हैं, तो किसी तख्त या टेबल जैसी चीज के नीचे जाएं, और अगर पॉसिबल है तो खुले में जाएं,
इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से हम बच सकते हैं। बच्चे हैं, अगर बड़े हों तो ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाए जो कि भूकंप रोधी होती हैं। इसी प्रकार से भूस्खलन की अगर बात की जाए तो जहां तक हो सके अभी पहाड़ी इलाकों में घूमने ना जाए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है उससे हम सभी परिचित हैं, तो इस प्रकार की जगहों पर ना जाए। क्योंकि और उसके बाद कोशिश की जाए सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि पेड़ ना काटे जाए, पेड़ लगाए जाए काटने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से, और बाढ़ के बारे में भी हम जानते हैं, जब बारिश होती है पानी जरूरत से ज्यादा या फिर पेड़ कटने के कारण पानी बह जाता है, उस स्थिति में मनुष्य बस यही कर सकता है कि सर्वाइव कैसे किया जाए उसी की तरफ ध्यान रखा जा सकता है। उस जगह पर घूमने ना जाया जाए, और जहां ये चीज हो रही है सरकार की जो मदद मुहैया कराई जाती है उसको जहां तक हो सके उनके रूल्स को भी फॉलो किया जाए, यही किया जा सकता है। ये जो पार्ट है वो है भूकंप के बारे में। तो इस पार्ट से संबंधित और भी जैसे चीजें कि भूकंप से और क्या कर सकते हैं, या रेणु जी भूकंप जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग भूकंप के बारे में तो यही जानते हैं कि भूकंप में धरती हिलती है ना, लेकिन ये धरती हिलती क्यों है, इसको हिलने की क्या जरूरत है, भूकंप आते कैसे हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप एक पत्थर पानी के अंदर डालें तो उसमें वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं। तो क्या होता है, जो हमारी पूरी धरती है ना वो प्लेट्स, तीन मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, उनमें बटी हुई है। जब ये प्लेट कभी आके आपस में टकराती हैं, आपस में जुड़ती हैं, चढ़ने की कोशिश करती हैं, घिसटती हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो तरंगे बनती हैं। उन तरंगों को हम भूकंप, भू मतलब भूमि, कंप मतलब कपन, इस रूप में जानते हैं। इसके अलावा ये जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे ज्वालामुखी, जब हम जानते हैं पृथ्वी के कोर में इसी प्रकार से लावा रहता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाहर की तरफ आता है, जब बाहर की तरफ आता है वो जो प्रेशर होता है उससे भी भूकंप आता है। ऐसे चार पांच और भी कारण है भूकंप आने के, कहीं पानी बहुत रोक दिया जाता है, नदी का पानी कहीं पर रोक दिया जाता है वो भी एक भूकंप का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा खुदाई, मानव के द्वारा की हुई कुछ कारण भी भूकंप का कारण बनते हैं। तो ये सब कारण रहते हैं। मुझे लगता है हम पाठ की ओर बढ़ते हैं, एक बार हम पाठ में देखते हैं कि क्या बात कही गई है। बिल्कुल मैम, आपने भूकंप के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया, हम पाठ की तरफ चलेंगे मैम। हाँ, और इसमें भी मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमें भूकंप जैसी एक ऐसी घटना जो हमने देखी सुनी पढ़ी होगी और हम YouTube और बाकी जगहों पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आते हैं, कैसे पृथ्वी हिलती है, उसे हम भाषा के द्वारा सीख रहे हैं। तो हम भाषा जो है वो एक घटना घटी उसके द्वारा हम भाषा सीख रहे हैं। तो आइए भाषा सीखते हैं और घटना को देखते हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम नृत्य गीतवादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नं च जातम। एकोत्तर मतलब एक ज्यादा, किससे ज्यादा, द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे मतलब 2000 से, एक ज्यादा मतलब 2001 शताब्दी में गणतंत्र दिवस पर्वणी, गणतंत्र दिवस के पर्व में, पर जिस दिन गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी जो थी, ऐसी दिन क्या होता है, यदा जब समग्रम अभी भारत राष्ट्र, सारा भारत राष्ट्र जो है वो नृत्य में, गीत में, उल्लास में मग्न था, उसी वक्त, तदा उसी वक्त कस्मादेव गुर्जर राज्य पर्याकुलम, किसी गुर्जर राज्य मतलब गुजरात राज्य का कोई जगह पर जो लोग थे, पर्याकुलम विपर्यस्तम बहुत सारे लोग थे, वो क्रंदन विकल वो रो रहे थे, विपन्नं च जातम मतलब कि वो साधनों से रहित हो गए, कहीं एक भारत जो है वो खुशी मना रहा था लेकिन एक जगह पर लोग जो है वो विपन्न हो गए। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परवर्तितवती। कहते भूकंपस्य, भूकंप की दारुण विभीषिका, दारुण मतलब दुख देने वाली, विभीषिका मतलब भयंकर घटना, समस्तम अपि सारे, अपि मतलब भी सारे गुर्जर क्षेत्रम गुजरात क्षेत्र को विशेषेण विशेष रूप से कच्छ जनपद, जो कच्छ है उस जनपद में, कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, ध्वंसावशेषु मतलब केवल खंडर मात्र रह गए, बिल्डिंग्स थी सारी कोलैप्स हो गई थी कच्छ जनपद में, बिकॉज वो सेंटर था। ये तो पता ही होगा जहां से जो दो प्लेट टकरा रही है तो उसका जो सेंटर है वहां पे सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो प्रभावित करता है। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुजनगरम, भुजनगर जो था वो क्या था, भूकंपस्य केंद्र भूत उसका सेंटर था। तो मृत्तिका क्रीडनमिव खंड खंड जातम, मृत्तिका मिट्टी, क्रीडन मतलब खिलौना, क्रीडन मतलब जिसे खेला जाता हो, तो जो भुजनगर था वो कैसा हो गया, मट्टी के खिलौनों की तरह खंड खंड हो गया। आप मट्टी का कोई भी बर्तन खिलौना उठाएं और उसको अगर नीचे फेंक दें तो कैसा हो जाता है, मट्टी। तो आप सोचिए कि घरों की ऐसी हालत हो गई थी कि वो बिखर गए थे।
आगे क्या होता है, कहते हैं बहु भूमिकानि भवनानि, और बहुत सारे भूमि में जो भवन थे, क्षणैनेव धराशायिनी जातानि, क्षण में ही धराशायी हो गए। भूकंप जो था वो इतनी बुरी, उसका उसका जो वेग था वो इतना ज्यादा था कि क्षण में ही बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो कलैप्स हो गई। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, उत्खाता उखड़ गए विद्युत दीप, जो बिजली के खंभे थे वो उखड़ गए। उखड़े क्यों? क्योंकि अगर आधार ही हिल रहा होगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उस आधार में जितनी भी चीजें स्थापित होंगी वो जो चीजें हैं वो उखड़ जाएंगी, गिर जाएंगी। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, फालद्वये विभक्ता भूमि, फालत विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, और जो घर जाने के जो जो सीढ़ियां थी और जो मार्ग थे वो सब क्या हो गए, विशीर्णा बिखर गए, विशीर्णा बिखर गए, एक टुकड़े में नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, और जो भूमि थी विभक्ता, विभक्त हो गई, दो हो गई। संस्कृत अगर हम पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो कितनी आसान लगती है, विभक्ता विभक्त हो गई, भूमि भूमि, फालद्वये दो हिस्सों में बट गई, मतलब जो धरती थी वो खुल गई, लेयर जो है वो इस तरह से हो गई। भूमि गर्भाद उपरि निस्सरन्ति भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम्। महाप्लावन, महाबाढ़ जो है उसका दृश्य जो है उपस्थित हो गया, क्योंकि भूमि के गर्भात, गर्भात मतलब गर्भ से, धरती के गर्भ से निस्सरन्ति भी दुर्वार जलधारा भी, निकलती हुई जो जलधारा है उसके द्वारा बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। क्योंकि जो पानी है, क्योंकि आपको पता होगा जो वो जो एरिया है वो पानी के पास है, मैं भी आपको पिक्चर में भी दिखाऊंगी तब आप ज्यादा उसको इमेजिन कर पाएंगे। तो वहां से जो पानी का जब प्लेट आपस में टकराई तो जो वाटर था वो ऊपर की तरफ बहने लगा। और आपने पिछली पिक्चर में भी देखा था कि भूकंप से रिलेटेड पिक्चर में पानी दिखाई दे रहा था, तो उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोलते हैं सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणै नैव मृताः, मृताः मर गए कितने, बहुत सारे, मृतः मर गए कितने, एक मृतः एक, मृताः बहुत सारे, सहस्रमिताः हजारों, प्राणिनस्तु प्राणी तु तो, क्षणै नैव क्षण में ही मर गए, वस्त भवनेषु संपीडिताः सहस्रो अन्ये सहायतार्थं करुण करुणं क्रंदन्ति। कहते हैं कि ध्वस्त भवनेषु, सप्तमी विभक्ति है, भवन में, कैसे भवन, ध्वस्त भवनेषु टूटे हुए भवनों में, संपीड़िता सहस्रशो अन्ये उसमें दबे हुए, उससे उस संपीड़ित मतलब उससे पीड़ित हुए हजारों जो बच्चे हुए हैं वो हजारों सहायतार्थम सहायता के लिए करुण क्रंदनम क्रंदति, करुण करुण क्रंदति मतलब कि करुण क्रंदन मतलब दुख से रो रहे थे। अब ये कितनी सुंदर और कितनी मर्म स्पर्शी बात है, करंदती स्म रो रहे थे, हा दैव हे भाग्य क्षुदा क्षुत क्षाम कंठा मृत प्राया केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवन धारितवंतः, धारितवंतः धारण किया, तव तु प्रत्यय का प्रयोग है, किसने धारण किया, जीवनम धारितवंतः, जीवन को धारण किया, किसने धारण किया, केचन शिशुः कुछ शिशुओं ने जीवन को धारण किया। कैसे शिशु थे वो, क्षुत क्षाम कंठा, क्षुत मतलब क्षुधा, क्षुधा जो है उनके कंठ तक आ गई थी, मतलब जो भूखे थे, मतलब इतने भूखे थे कि अगर थोड़े दिन और उनको ना देखा जाता तो वो बहुत ही कमजोर और मरने की स्थिति में, मृत प्राय मरने की स्थिति थी। केचन शिशुवस्तु कोई शिशु जो है वो ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से ही 2 से 3 दिन तक जीवन को धारण कर पाए। तो कई बच्चे भी, छोटे बच्चे मिले जो कि उस मलबे के अंदर दबे थे और वो कैसे बच पाए, वो भगवान की ही कृपा है। अब आप ये जो है ये मैंने ये वहीं का कच्छ के जो है ना वहां के फोटो हैं कि किस तरह की स्थिति हुई थी और किस प्रकार से भूकंप में विभीषिका होती है वो। अब अगर आगे देखें तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगी, आप देखते हैं भुज जो है समुद्र के पास दिख रहा होगा और जो कच्छ है ये सब एरिया जो है वो पानी के आसपास है, तो किस प्रकार से क्या हुआ होगा बच्चे इसको थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे की जो है वो बात हो रही है कश्मीर में जो 2005 में भूकंप हुआ था। इयम आसीत तो भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, भैरव विभीषिका भयंकर विभीषिका जो है ये तो किसकी थी, कच्छ भूकंप की। इयम आसीत ये थी, इयम स्त्रीलिंग का प्रयोग है क्योंकि विभीषिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर कहते हैं पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे
पंचोत्तर, एकोत्तर पढ़ा था ना अभी हमने, एक ज्यादा, पंचोत्तर मतलब पांच ज्यादा, किससे? द्विशस्त्र ख्रीष्टाब्द, मतलब कि 2000 से पांच ज्यादा, 2005। अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धाराया महत्कंपनम जातम, महत्कंपन बड़ा कंपन हुआ, कहाँ हुआ? कश्मीर प्रांते, कश्मीर में और पाकिस्तान देश में। यस्मात् कारणात्, जिस कारण से लक्ष परिमिताः जनाः अकाल कालम कवलिताः, जिसके कारण से लाखों लोग जो है अकाल काल, बिना काल के, न काल इति अकाल, जब उनकी मौत नहीं आई थी ऐसी स्थिति में कालम कवलिताः, काल जो है उसके मुंह में चले गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपति, धरती जो है वो किस प्रकार से कंपित होती है, इति विषये वैज्ञानिका कथयन्ति, इस विषय में जो है ना वो वैज्ञानिक कहते हैं, क्या कहते हैं? कि पृथिव्या अंतरगर्भे विद्यमाना बृहत्यः पाषाण शिला, कितना आसान है, पृथिव्या पृथ्वी में, अंतरगर्भे पृथ्वी के अंतरगर्भ में विद्यमाना, विद्यमान बृहत्य पाषाण शिला, बड़ी बड़ी जो पाषाण की शिला है, वही टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है बच्चों, यदा संघर्षण वशात त्रुटयंती, संघर्षण से जब तोड़ती हैं, तदा जायते भीषणम संस्खलनम, उससे बड़ा संस्खलन होता है, और संस्खलन जन्यम कंपनं च, उस संस्खलन से कंपन जो है वो उत्पन्न होता है, इस प्रकार। तदैव भयावह कंपनं धरायाः उपरि तलम् अप्यागत्य, जो भयावह कंपन होता है उससे धरती का ऊपर जो तल होता है उसमें उसमें आकर, अपि आगत्य उसमें आकर महाकंपनम जनयति, महाकंपन होता है, येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, जिससे कि ये जो महाविनाश की दृष्टि दृश्य है वो उत्पन्न होता है। कौन सा महाविनाश का? भूकंप महाविनाश का दृश्य जो है वो उत्पन्न होता है। ये देखिए बच्चों, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस पिक्चर को, देखिए ये कश्मीर में जब ये जब भूकंप हुआ है, तब किस प्रकार का भूकंप रहा होगा, किस किस प्रकार का, मतलब महाविनाश की जिसकी बात कर रहे हैं, ये उसको दिखाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। आगे आप देखें, ज्वालामुख पर्वतानाम, अब ये दूसरा कारण बता रहे हैं भूकंप का, ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, बहुवचन है, भूकंप को जानने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो कथयन्ति, बहुवचन, कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो ज्वालामुख पर्वत है उनसे भी भूकंप उत्पन्न होता है, कैसे होता है उसको बता रहे हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर् यदा, पृथिव्याः गर्भे पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो अग्नि है वो खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयम संचयम क्वथयति, क्वथयति मतलब उलटती है, उल्टी करती है, निकालती है बाहर, तदा तब क्या होता है, तत् सर्वमेव लावार सताम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वतम वा विदार्य, विदार्य मतलब फाड़ कर, क्या फाड़ कर, धराम पर्वतम पृथ्वी को, धरा मतलब पृथ्वी, पर्वतम हम सभी जानते हैं उसको, फाड़ कर दुर्वार्य गत्या, ऐसी मुश्किल गति, उसकी बहुत ही फास्ट गति होती है, लावा के साथ वो धरती और पर्वत को फाड़ कर बहिर् निष्क्रामती, बाहर निकल जाती है, और फिर क्या होता है, धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, धूम मतलब धुआं और भस्म मतलब जो धूल होती है उससे वृत्तम ढका हुआ हो जाता है, क्या हो जाता है, गगनम, तदा तब तब जो गगन है वो धुएं से और धूल से भर जाता है। मैम, सेल्सियस, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास 4 मिनट का समय और शेष है सत्र के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसको थोड़ा सा, जी सेल्सियस तापमात्राया अष्टशतांकता उपगतोऽयं लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति, मतलब 800 का इसका सेल्सियस का गर्मी इसमें होती है, और जब ये लावा बहता है नदी के वेग जैसा, नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा, जो पास में गांव है ना, नगराणी वा तदुदरे क्षणैनेव समाविशन्ति, उसके पेट में क्षण में ही समाहित हो जाते हैं, निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः, और जो विवश प्राणी हैं वो अपने प्राण जो है उनके त्याग मतलब मर जाते हैं। ज्वालाम उद्गरंत एते पर्वता अपि भीषणम भूकंपम जनयति, और इस प्रकार से ये भीषण भूकंप उत्पन्न होता है। ये लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, सेकंड लास्ट, मुझे लगता है मैं इसका आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ ये, और ये मुझे लगता है ये लास्ट है हमारे पास। तो वो क्या कहते हैं,
वो कहते हैं कि ये जो भूकंप है, यद्यपि देवा प्रकोपो भूकंपो नाम, ये जो भूकंप है ना वो देव के द्वारा होता है, मतलब कि इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन और इसका कोई शांत करने का हमको उपाय दिखता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, बहु भूमि भवन निर्माणम ना करणीय, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मत बनाइए, तटबंध निर्माय, तट को बनाने के लिए बृहन मात्रम नदी जलम कम नदी जलम अपि, नदी का जो जल है वो नैकस्मिन स्थले, एक ही जगह में पूंजी करणीय, में इकट्ठा करना, इकट्ठा मत कीजिए वरना संतुलन से भी भूकंप होता है। और फिर लास्ट में कहते हैं वस्तुतः शांतानि एव पंच तत्वानि, जो पांच तत्व हैं इनके शांत होने पर, पांच तत्व कौन से हुए बच्चों, क्षिति जल पावक समीर और गगन, इन पांच तत्वों के शांत होने पर ही भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम कल्पन्ते, जो ये भूतल है मतलब हमारी धरती जो है वो कल्याणमयी रहती है, शांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, और अगर ये शांत होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, महाविनाश जो है वो उपस्थापित होता है। इस प्रकार से ये आपका पाठ हुआ, और इस पाठ का सारांश सारांश अच्छे से अर्थ हुआ, जिससे कि आप ये समझ पाए कि जो पाठ है उसमें भूकंप कब कहाँ कैसे हुआ था, और संस्कृत कितनी सरल है, पढ़ते वक्त आपको हिंदी जैसी ही लग रही होगी, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वरना संस्कृत को समझने में बिल्कुल कठिनाई मुझे लगता है नहीं है कि ध्यान से पढ़ने से कोई कठिनाई आपको आ रही होगी या आती हो। जी जी रेणु जी, जी मैम, मैम आपने इतने अच्छे से ये पूरा पाठ हमारे सभी विद्यार्थियों को बताया, मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हमारे सभी छात्रों को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैम जाते जाते क्या कुछ ऐसी बात है भूकंप के बारे में जो आप इस पाठ में जोड़ना चाहेंगे मैम? हाँ, इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि हमारे जो संस्कृत के बच्चे हैं जो इस पाठ को देख रहे हो या पढ़े, वो जहां तक हो सके आपके पास नेटवर्क इतना स्ट्रांग, अगर मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास नेट पे, एक तो वो इन वीडियोस को देखें कि भूकंप के बाद किस किस तरह की घटनाएं होती हैं, या भूकंप की लाइव वीडियोस भी आपको वेबसाइट्स पे, इंटरनेट्स पे, यूट्यूब पे मिलती हैं। मैं चाहती हूँ वो प्राकृतिक आपदाओं की वीडियोस देखें और वो समझें, एक तो वो ये देखें कि घटनाएं होती कैसे हैं, दूसरा वो ये समझें कि हम एक नेक्स्ट जनरेशन होने के नाते कैसे इन भूकंप या इस तरीके की प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग या इत्यादि जो भी समस्याएं हैं, हम भारत का और विश्व का भविष्य होने के नाते ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे द्वारा कम से कम ऐसी विपदाएं जी पैदा ना हो, और ना ही इससे हमारी पृथ्वी को ज्यादा परेशानी हो हमारे द्वारा करने जी से। यानी कि जी हम अपनी पृथ्वी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए जो भी सतत तरीके से कार्य कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वो करना चाहेंगे। संगीता मैम, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। और इस सत्र को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे, और अपने सभी देखने वालों को बता दें कि एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम, उसके बाद अपने एक और लाइव इंटरैक्टिव फोन इन सेशन के साथ हम हाजिर होंगे, जो कि मैथ्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और हमारा शीर्षक रहेगा पॉलिनोमियल्स पार्ट वन। इस पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बहुत ज़रूरी सूचना आपके साथ साझा करना चाहेंगे NCERT की पुस्तकों से संबंधित। वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पुस्तकें पूरे देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से ले सकते हैं, जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित है। ये सभी बिक्री केंद्र पूरे हफ्त सप्ताह और सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार रविवार को प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत हैं। और अगर आप ये पुस्तकें यहाँ पर जाकर नहीं ले सकते तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको अपने आपके घर पर डिलीवरी की जाएगी। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, जो है www.ncertbooks.ncert.gov.in। और इसके साथ ही अगर आप इसका PDF वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं NCERT से दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारी मोबाइल ऐप से भी। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर जाकर सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल्स लें। और अभी इसी के साथ मैं रेणु भट्ट आप सभी से ले लेती हूँ इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या चैनल पर। नमस्कार।